हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम में इस गेटअप में क्यों हूं? क्योंकि मैं हूं उज्जैन में और उज्जैन के महाकाल मंदिर में। मैं यहां पर आया हूं दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर में और साथ ही उज्जैन की और भी कई सारी प्लेसेस की, जहां पर मैं आपको घुमाऊंगा, दिखाऊंगा यहां पर क्या क्या चीज़ें हैं और साथ ही बताऊंगा क्या खर्चा है। बारिश होने लगी है और मौसम बहुत ही शानदार है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए उज्जैन में महाकाल जी के दर्शन। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक पौराणिक स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर टेंपल के लिए प्रसिद्ध है। जैसे वृंदावन मथुरा में आप जाते हैं तो राधे राधे का लग जाता है, वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पे महाकाल का आपके माथे पे पूरा छप जाते हैं महाकाल। जय श्री महाकाल। पूरा ही श्रृंगार हो गया है मेरा, महाकाल के रंग में रंग चुका हूँ मैं। उज्जैन पहुँचना बेहद आसान है क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यहाँ से केवल 50 किलोमीटर दूर इंदौर है, जहाँ एयरपोर्ट की भी सुविधा है। और इंदौर से मात्र 100 रुपए देकर आप बाई एसी बस यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर उज्जैन में तो आपको दिखाया था पोहा, और इस बार भी कैसे इसको भूल सकता हूँ। ये है ही इतनी शानदार। यहाँ पे मात्र 15 रुपए में आपको मिल जाएगा पोहा। यहाँ पर ढेरों दुकानें हैं महाकालेश्वर मंदिर के पास, हो चाहे आसपास में कहीं पे भी, चाहे इंदौर चले जाए चाहे उज्जैन चले जाए, आपको हर जगह मिल जाएगा। और आपके लिए सुबह सुबह का ये बेस्ट ब्रेकफास्ट होता है, 15 रुपए का ही है, 10 रुपए की चाय काम हो जाता है। नीम पत्ती है, कोई करी पत्ता जैसे कहते हैं, और इलायची का फ्लेवर है, काली मिर्च का फ्लेवर है, कुछ मसाले हैं और नमकीन वगैरह डले हैं इसमें, तो ट्राई जरूर। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन रेलवे स्टेशन से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप मात्र 30 रुपए देकर ऑटो से पहुंच सकते हैं। तो उज्जैन में मेरे होटल का जो रूम है वो कुछ इस तरह का है, ट्रिपल बेड रूम है, क्योंकि यहाँ पे डबल बेड मिला ही नहीं मेरे को, और आप ले सकते हैं, मतलब डबल भी और भी मिल जाएंगे ऑप्शन। और ये रहा बाथरूम। खास बात इस जगह की ये है कि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, महाकाल मंदिर केवल 200 मीटर की दूरी पर है इस जगह से, और ऐसे कई सारे होटल यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मिलन पैलेस होटल का नाम है और ऐसे बहुत सारे हैं, इस तरह के रूम भी आपको मिल जाएंगे। और जो इसकी कॉस्टिंग आई है वो आई है 1400 रुपये पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए। 3 एडल्ट्स के लिए भी इतना ही कॉस्ट आएगा, मतलब कि अगर आप 3 लोग हैं तो 500 रुपये पर पर्सन में आप यहाँ पर रूम वगैरह अच्छा ले सकते हैं। बाकी अगर डबल बेड लेना है तो ठीक ठाक सा रूम अगर लेते हैं तो 700 से 800 रुपये तो आपको यहाँ पर देने पड़ जाएंगे। बाकी धर्मशाला वगैरह के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि आपको शायद 300-400 रुपये में या उससे कम में भी कुछ जगहों पर मिल जाए। महाकालेश्वर मंदिर में फ्री दर्शन और पेड दर्शन दोनों की सुविधा है, जिसमें पेड दर्शन आपको करना चाहिए या नहीं ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। हमारे शिव जी के पुत्र गणेश जी हैं और उनका मंदिर भी यहीं पर है, श्री बड़ा गणेश जी मंदिर है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन ज़रूर करें। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर लें, फिर यहाँ पर कर लें। बाहर ये बहुत आसानी से दर्शन भी हो जाता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ पर टिकट ले रहा हूँ मैं, 250 वाली भी मिल जाती है, 250 के भी कई काउंटर है, और बाकी आपको अगर 750 वाली लेनी है तो यहाँ गणपति, बड़ा गणपति मंदिर है, वहाँ पर भी हो जाता है। 250 रुपए के टिकट में आपको जल्दी दर्शन होते हैं, जबकि 750 रुपए के टिकट में आपको ज्योतिर्लिंग के पास जाकर दर्शन करने को मिलता है। तो आ गया हूँ मैं मंदिर में और अंदर की तरफ। तो महाकाल के मंदिर में अगर गर्भगृह में जा रहे हैं तो आपको धोती प्रोवाइड की जाती है, और
अभी ये उतारना पड़ रहा है और उतार के ही दर्शन होगा। लुंगी पहनते हैं और बाकी देखते हैं, गेटअप मैं आपको दिखा दूंगा। ये कपड़े आपको यहीं फ्री में ही मिलते हैं और महिलाओं को गर्भगृह में साड़ी पहन के दर्शन करने की अनुमति होती है। वैसे अगर आप गर्भगृह में फ्री दर्शन करना चाहते हैं तो दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन उसमें सभी भक्तों की भीड़ होती है और आपको मेरी तरह इन कपड़ों में ही दर्शन करना होता है। तो जो गेटअप है वो तैयार हो चुका है और ये रहा, ये तो मैंने लिया हुआ है, वैसे यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये रहा धोती, ये भी नीचे वाला पोर्शन मिल गया है, इसको खरीदा नहीं है, ये भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे मिल जाता है, यूज्ड होता है। बाकी चलते हैं अब महाकाल के दर्शन के लिए। पेड़ दर्शन का ये रास्ता फ्री दर्शन से बिल्कुल अलग होता है और वैसे 5-10 मिनट की लास्ट में यहाँ पर भी आपको लाइन तो नॉर्मल डेज में भी लगानी पड़ती है। जब आप पेड़ दर्शन करते हैं तो इस एरिया को एक्सेस कर पाते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और बाकी मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बस बैरिकेडिंग से जाते हैं और दूर से दर्शन होते हैं, तो इस बार मैं आपको कराऊंगा करीब से दर्शन और कोशिश है कि गर्भगृह में भी देखते हैं वहाँ पे दर्शन हो पाता है। महाकालेश्वर टेम्पल के इस कॉम्प्लेक्स में आपको छोटा सा तालाब देखने को मिलता है और भक्तों को यहाँ पर आप भक्ति में डूबे हुए भी देख सकते हैं। मोबाइल आप यहाँ तक ले जा सकते हैं। महाकाल जी के दर्शन हो गए हैं और एकदम करीब से उनको टच भी किया, अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है तो एकदम अंदर नहीं ले जा सकते हैं गर्भगृह में। तो अगर आप पेड़ दर्शन करते हैं तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, अदरवाइज पिछली वीडियो में जो मैंने किया था 250 रुपये में भी आपको दूर से दर्शन होते हैं। तो अब ये पैसे वाला सिस्टम का मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि मैं क्या कमेंट करूँ, आप ही कमेंट में बताना कि मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं और बाकी चीज़ आपके ऊपर है। सो दर्शन हो गए, अच्छे से दर्शन हुए और महाकाल का आशीर्वाद था। बाकी अब देखते हैं भोलेनाथ कब बुलाते हैं, आप भी यहाँ पर आ जाएं, दर्शन करें और यहाँ पे भोलेनाथ के बस भक्ति में गुम हो जाएं। बहुत ही प्यारी सी प्लेस है और एक सुकून मिलेगा दर्शन करके आपको। जय महाकाल। महाकाल के दर्शन करके ये जो भक्त आ रहे हैं ये फ्री दर्शन वाले हैं और कुछ ने 250 रुपये पे भी किया है, तो दोनों तरह के हैं। और मैंने पूछा है लोगों से, तो अभी वीकडेज चल रहा है, वीकडेज में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती नहीं है और ऐसे टाइम में अगर आप आते हैं तो फ्री दर्शन ही करें, मेरा सजेशन आपके लिए होगा। अगर आप गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो 750 पे करें, अदरवाइज 250 भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और मात्र किसी को 15 मिनट में दर्शन हो गए, फ्री दर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, और किसी को आधे घंटे में दर्शन हो गए हैं। तो अगर आधे घंटे में दर्शन आपके हो जा रहे हैं वीकडेज के टाइम में तो आप फ्री दर्शन ही करें, 250 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी बहुत सारे लोग आए हैं और सभी का मिला जुला असर है, कुछ फ्री वाले हैं कुछ 250 वाले। ये आपने फ्री दर्शन किया है या पे किया? फ्री दर्शन। कितना टाइम लगा आपको? आधा घंटे में हो गया। सो यहाँ पर अभी दर्शन मैंने कर लिया है और यहाँ पे व्यूअर मिले हैं। आप लोगों ने दर्शन कितने बजे किया? सुबह सात बजे दर्शन हो गए। कितना टाइम लगा? कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगे। कितने पैसे दिए? जीरो। मतलब केवल र्यूमर्स हैं, कोई भी पैसा अभी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें सुबह जल्दी पहुंच जाएं यहाँ पर, फ्री में दर्शन कर लेंगे, 250 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। केवल गर्भगृह में जाना है तो 750 दे सकते हैं, अदरवाइज महाकाल के भक्त हैं तो सब हो जाएगा। जय महाकाल। जय महाकाल। महाकाल टेम्पल से आप 200 से 250 रुपये देकर काल भैरव मंदिर तक पहुँच सकते हैं, जो कि लगभग यहाँ से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसी रास्ते में पड़ता है मंगलनाथ टेम्पल और यहाँ पर मैं रुका। अभी मैं हूँ मंगलनाथ धाम में और यहाँ पर आप दर्शन पूजन करवा सकते हैं, मेरे परिचित हैं, पंडित जी हैं और उनके पास जाता हूँ मैं। और कुंडली वगैरह में कुछ दोष हैं या फिर कुछ भी हैं तो आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। और ये रहे पंडित जयप्रकाश जी हैं। प्रणाम पंडित जी। महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्न गुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। तो जो पंडित जी मेरा दर्शन पूजन सब करवा रहे हैं, जो यहाँ पे पूजा पाठ करवा रहे हैं, उनसे मैं आपको थोड़ा मिलवा देता हूँ।
काल सर्प दोष और मंगल दोष वगैरह के लिए यहाँ पर पूजा पाठ मैंने करवाया। बाकी और क्या क्या यहाँ जी अवंतिका नगरी वैसे तो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है, द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ से महाकाल ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। अच्छा जी, जो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और मंगल ग्रह के जो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं जिनकी कुंडली में मंगल दोष रहता है, लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम द्वादश स्थान पर यदि मंगल रहता है तो यहाँ पर वो लोग आकर के पूजन करते हैं। अच्छा, जिससे तो उनके जीवन में जो परेशानी आती है, किसी प्रकार के शादी में विलंब होता है या नौकरी में व्यापार में व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई कठिनाई रहती है तो यहाँ पर लोग आते हैं और पूजन करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, मैंने यही सुना है मंगला मंगली जो होते हैं जो मतलब जो मंगल दोष वगैरह होता है जिनकी कुंडली में कालतर दोष भी रहता है तो यहाँ पर भी मुख्य रूप से कालतर दोष का पूजन होता है। अच्छा, चांडाल दोष का यहाँ पर पूजन होता है, ग्रहण दोष का पूजन होता है, सवा लक्ष्य महामृत्युंजय का अनुष्ठान का यहाँ पर महत्व है। इसीलिए ये मंगलनाथ मंदिर है और आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। उनका नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर लेंगे। जिनकी कुंडली में कालतर दोष रहता है, मंगल दोष रहता है, यदि किसी को संशय रहता है तो आप हमें हमारे कांटेक्ट नंबर पर अभी शुभम जी के माध्यम से मैं ऐड करवा दूंगा तो मेरे नंबर पर आपकी कुंडली सेंड कर दीजिएगा तो कुंडली विश्लेषण हमारे द्वारा निःशुल्क रहता है। चलो भाई, और आइएगा, स्वागत है। और जरूरी नहीं कि आप पूजन के लिए ही आए, आपको किसी प्रकार के उज्जैन में असुविधा नहीं हो इसलिए हमसे संपर्क जरूर करें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आप भी आ सकते हैं और यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए ही स्पेशली लोग आते हैं, तो डिटेल मैं दे ही दूँगा। सो ये आप देखेंगे पूरा इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से कराया जाता है कि फील आएगा आपको एक पूजा पाठ का। और इसके बाद मंगलनाथ मंदिर में हमने भात पूजन भी किया जो करके काफी अच्छा महसूस हुआ। आज से लगभग 2 साल पहले जब मैंने उज्जैन की वीडियो बनाई थी तो मतलब मैं यहाँ पर आया था, मुझे मालूम भी नहीं था यहाँ पर मंगल दोष वगैरह की पूजा होती है, किस लिए ये मंदिर है। पूजा पाठ मैंने दिखाई थी लेकिन इस बार मुझे पता चला, पूजा पाठ किया तो सच में भगवान का बुलावा था और बस सडनली सब चीज़ हो गई, पूजा पाठ भी हो गया। तो थैंक यू बोलूँगा भाई भगवान को कि यहाँ पर बुलाएँ और अपना आशीर्वाद दिए, पूजा पाठ हुई। खैर, यहाँ पे और भी जगहें हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और सभी जगह से भगवान का आशीर्वाद उज्जैन में ज़रूर लेकर जाए। जय भोलेनाथ। मंगलनाथ टेम्पल के बाद अब मैं पहुँचा काल भैरव टेम्पल जो मंगलनाथ टेम्पल से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि मैंने बोला था, महाकाल के दर्शन के बाद आते हैं हम काल भैरव टेम्पल पर जो कि शहर से मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर प्रसाद वगैरह की दुकानें आपको पहले देखने को मिलेंगी। और ज़्यादातर भक्त जो हैं यहाँ पर, पहले जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे देखने को मिला था कि जो मतलब कि शराब वगैरह होती है वो चढ़ाते हैं काल भैरव को, तो दुकानों पर नॉर्मली दिख रही थी लेकिन इस बार मुझे नहीं दिख रही है, पता नहीं क्यों, रीज़न जो भी हो। सो यहाँ पे दुकानें आपको ऐसी कई सारी दिखेंगी और भक्त भी आए हैं, तो जो भी आए यहाँ पे पहले महाकालेश्वर के दर्शन किए फिर उसके बाद यहाँ पे आए, तो चलते हैं आगे की तरफ काल भैरव के दर्शन करते हैं। काल भैरव मंदिर में वीकडेज में आपको बहुत आसानी से बिना ज्यादा भीड़ भाड़ के दर्शन हो जाते हैं। तो काल भैरव मंदिर का छोटा सा ही कॉम्प्लेक्स है अंदर का और यहाँ पर ये रहा दत्तात्रेय मंदिर और इधर शिव मंदिर है और इधर काल भैरव जी का मंदिर है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये आप देखेंगे यहाँ पे आई थिंक इस पे दिया वगैरह जलते हैं और बहुत प्यारा लगता है जब ये पूरा जलता रहता है। अगर आप उज्जैन बिल्कुल सस्ते में घूमना चाहते हैं केवल मात्र 100 रुपये में तो ये बस है उज्जैन दर्शन के लिए जो आपको ये सभी प्लेसेस कवर कराती है, महाकालेश्वर, बड़ा गणपति, हरसिद्धि माता, रामघाट, जंतर मंतर, गढ़कालिका, गुफा, भृतहरी, मतलब बहुत सारी है, आपके सामने ही है सारी प्लेसेस। तो ये बस आपको महाकालेश्वर धर्मशाला जो होता है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा ये चलाया जाता है और महाकालेश्वर धर्मशाला उज्जैन की तरफ से ये आपको मिल जाएगी, बुकिंग स्थल लिखा हुआ है और ये नंबर है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बताया ये है और इससे आप आसानी से और काफ़ी सस्ते में पूरा उज्जैन एक दिन में 100 रुपये मात्र पर पर्सन में कवर कर सकते हैं। यहाँ से मैं तो जाने वाला था भृतहरी गुफा लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से गुफा में पानी भरा था
और इसलिए क्लोज कर दिया गया था। इसलिए अब वापस पहुंचा उज्जैन के रामघाट पर। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि उज्जैन में भी कुंभ मेले का आयोजन होता है और यहां के कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ कहते हैं और वो आयोजन होता है इस पूरे एरिए में, मतलब इसके पीछे बैक साइड में घाट है वहां पे भी पूरा होता है और इधर साइड भी होता है। और ये जो प्लेस है ये है रामघाट। पिछली बार 2 साल पहले जब मैं आया था यहाँ पर तो यहाँ पर काफ़ी भक्त जो पूजा पाठ कर रहे थे और अभी ये बिल्कुल खाली पड़ा है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी पानी का जो लेवल है वो पिछली बार से काफ़ी यहाँ पर अभी आपको ज़्यादा दिखेगा। मतलब जो सीढ़ियाँ हैं स्टेयर्स जो हैं वो पूरी डूब चुकी हैं और पहले यहाँ पे नाव वगैरह भी उस टाइम चल रही थी, लेकिन इस टाइम यहाँ पे नाव वगैरह नहीं चल रही है। जो भी हो फिलहाल इस जगह पर भी आप ज़रूर आएँ जब आप उज्जैन की ट्रिप पर आएँ तो यहाँ पर आएँ। महाकाल मंदिर जो है मंदिर के ठीक पास में ये स्थान है और इस स्थान का लुत्फ आप उठाएं, ठंडी ठंडी हवाएं लगेंगी और बहुत अच्छी पिक्चर्स भी आएंगी जो आप देख रहे होंगे। ये मंदिर लाइन से बने हुए हैं घाट पर और यहाँ पर अगर लेवल कम हो तो यहाँ स्नान वगैरह भी ज़रूर करें। तो खाने का टाइम यहाँ पर हो गया है और खाने में बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने मंगाई है, आलू जीरा दाल फ्राई और रोटी। दाल मुझे यहाँ पे मिली है 90 रुपये की, आलू जीरा भी 90 रुपये का मिला है और रोटी जो मिली है वो लगभग 10 से 12 रुपये की है यहाँ पे हर जगह, तो यही रेट है। और सस्ती दुकानें भी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो रामघाट के आसपास में आपको छोटे ढाबे मिल जाएंगे जहाँ 60 रुपये में भी थाली आपको मिल जाएगी, पर मैं नहीं कहता हूँ क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो अगर थोड़ा क्वालिटी अच्छी चाहते हैं तो महाकाल मंदिर के सामने की तरफ है, कई सारी शॉप्स है गलियों में है, बहुत सारी मिलेंगी। तो आप आएँगे तो आपका मतलब 200 रुपये में काम हो जाएगा, 250 रुपये में आई थिंक दोनों का काम हो जाएगा। उज्जैन में इसके अलावा हरसिद्धि माता मंदिर, चिंतामणि गणेश मंदिर, गढ़कालिका टेम्पल, सिद्धनाथ घाट, शनि मंदिर और जंतर मंतर भी है। और अगर आप सुबह जल्दी अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो एक दिन में ये सभी प्लेसेस आसानी से कवर कर सकते हैं। रामघाट पर अभी जो शिप्रा नदी का बहाव है वो पूरा घाट डुबो दिया है और अब जान लेते हैं यहाँ पर आपका उज्जैन घूमने में क्या खर्चा हो सकता है। और बहुत ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ पूरा बजट आपका ओवरऑल क्या होगा। तो यहाँ पर घूमने के लिए एक दिन मात्र काफ़ी है और एक दिन में आप यहाँ की जो मेन प्लेसेज है जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर हो गई और उसके बाद काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ टेम्पल और रामघाट हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, द्वारकाधीश टेम्पल हो गया और मतलब जो भी यहाँ के आसपास प्लेसेस हैं। और इवनिंग में आप यहाँ की मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर कर सकते हैं और मॉर्निंग में यहाँ का पोहा वगैरह खा सकते हैं। तो ये आपका टोटल एक दिन का पूरा टूर हो जाएगा और इस एक दिन में आप चाहें तो इंदौर से डे ट्रिप करके यहाँ पर और वापस जा सकते हैं, क्योंकि होटल का ही मेज़र यहाँ पे खर्चा होता है और होटल का खर्चा सीधे सीधे बचा सकते हैं अगर आप इंदौर आए हुए हैं तो। मतलब डे ट्रिप भी आराम से आप करके वापस रात को निकल सकते हैं यहाँ से, जहाँ से भी आप आए हैं तो। तो अगर आप होटल लेते हैं तो होटल आपको 1500 रुपये पर नाइट 2 एडल्ट्स के लिए मिलता है और इसमें आपका 1% मैं मान रहा हूँ, 2 लोग कम से कम जा रहे हैं तो 1% पे लगभग आपका आएगा 750 रुपये। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो 500 रुपीज़ ओवरऑल आप ऑटो का मान लें उससे आपका यहाँ पर हो जाएगा और 1% पे 250 रुपये आएगा और मील्स का आपका लगभग 500 रुपये मैं मान के चलता हूँ। तो मतलब 750 रुपये होटल का, 250 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन का और 500 रुपये आपका खाने पीने का, इवन और कम ही आएगा, मैं ज़्यादा लेके चल रहा हूँ कि आप थोड़ा चटपटा और खा लेंगे तो 1500 रुपये का पर पर्सन पे बजट आएगा अगर आप 2 लोग आते हैं यहाँ पर। इवन इससे कम में भी होगा, अगर आप चाहें तो 100 रुपये वाली जो मैंने बस दिखाई है उसको बुक कर लें तो उससे तो और आसानी से आप घूम सकते हैं। तो बहुत आसानी से यहाँ की प्लेसेस कवर हो सकती हैं और आप बहुत आसानी से घूम सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे में महाकालेश्वर के आपके दर्शन हो सकते हैं। और बाकी यहाँ पे सेफ़ प्लेस है, डे ट्रिप आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। वीकेंड्स वगैरह में आते हैं तो भीड़ भाड़ ज़्यादा मिलती है
टाइमिंग आपको पता चल ही चुकी है, और बाकी वीकडेज में कोशिश करें कि आएँ ताकि ये भीड़ भाड़ आपको कम मिले। बाकी सावन के महीने में आते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। मानसून यहाँ का मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है, क्योंकि ऐसी कुछ वेदर होता है और ग्रीनरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो बेस्ट टाइम आपके लिए मानसून हो सकता है, बाकी विंटर में भी आ सकते हैं। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, जैसे कि आपका अप्रैल या मार्च से स्टार्ट हो जाती है गर्मी, और ये आपकी रहती है लगभग जुलाई तक में, अभी भी रहती है अगर बारिश ना हो तो। तो ओवरऑल ये आपके लिए बजट था, और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे ट्रैवल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी प्लेस के बारे में। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।